हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुनंदा दे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब लोग कैसे हो? मैं आशा करूँगी आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं कई दिनों से विटामिन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, आई मीन फेस वॉश, स्क्रब, सीरम और मॉइस्चराइजर प्रोडक्ट। मतलब आप ये मत समझो कि मैं बाजारी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। उससे 90% जो मैं प्रोडक्ट के बारे में बोल रही हूँ वो सब DIY प्रोडक्ट यूज़ मैं कर रही हूँ, और मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आने स्टार्ट हुई है। और मेरे स्किन को मतलब मेरे स्किन अच्छे हो गए हैं। मेरे स्किन में जो दो तीन यहाँ पे पिंपल के दाग धब्बे थे वो थोड़ा हल्का होने लगी है। तो वो ही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो इससे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी हमारे स्किन में क्या करता है, हम लोग उसको क्यों यूज़ करेंगे। विटामिन सी हमारे स्किन में यूज़ करने से फाइन लाइन, रिंकल कम हो जाती है स्किन में। जो जैसे मैंने बोला है दाग धब्बे हो, वो दाग धब्बे कम हो जाती है, दाग धब्बे कम हो जाती है, स्किन ग्लो करने में लग ग्लो करना स्टार्ट होती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी स्किन थोड़ा सा ड्राई है, तो वो भी विटामिन सी के कमियों से होती है। अगर आपकी स्किन में विटामिन सी की ज़रूरत है तो कभी कभार स्किन थोड़ा सा ड्राई हो जाती है। तो ये सब रीज़न है विटामिन सी यूज़ करने के लिए। आई मीन अगर आप पूछेंगे तो विटामिन सी आप मैं क्यों यूज़ करूँगी, तो इसलिए आप यूज़ करोगे ताकि आपकी स्किन एकदम हेल्दी रहे। पहले मैंने बोला है विटामिन सी जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो सारे मेरे बनाए हुए हैं, घर के बनाए हुए हैं, आई मीन DIY प्रोडक्ट है। आप चाहे तो मार्केट वाला प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। मैं तो पहले भी वीडियो में बोल रही हूँ, मैं ज़्यादातर मार्केट वाला प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे DIY प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मेरे स्किन में सूट करते हैं, मेरे स्किन में कुछ उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं DIY क्रीम के लिए ज़्यादा कम्फर्टेबल हूँ, तो इसलिए मैं DIY प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और ये बजट फ्रेंडली भी है, ये बहुत कम पैसों में बन जाती है। और इसके लिए कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम यूज़ करते हैं, जो बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे हमारे सब किचन में ही रहता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर DIY प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ। और ये आज का जो मैं प्रोसेस दिखाऊंगी उसमें इंक्लूड है फेस वॉश, स्क्रब, सीरम और मॉइस्चराइजर। ये ज़्यादातर मैंने घर में बनाए हैं, तो इसको बनाना रेडी करना भी ईजी है, बहुत आसानी से आप यूज़ बहुत ईजीली घर में प्रिपेयर कर सकते हो। तो बस मार्केट वाला प्रोडक्ट तो तुम आप लोग यूज़ करते होंगे ना, तो एक बार बस ये भी यूज़ करके देखो। अगर रिजल्ट ना मिले तो बस यूज़ करना उसके बाद मत करना। अगर प्रोडक्ट मतलब अच्छा हुई, रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुए, तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, अगले बार से आप खुद ही बना के यूज़ करोगे। तो बस एक बार बना के यूज़ करो। जैसे मैंने बोला है पहले मैं फेस वॉश करूँगी, तो फेस वॉश यूज़ करने के लिए मैं एक चम्मच से थोड़ा सा कम मैं बेसन लूँगी, और ये है ऑरेंज पील। इसको मैं सूखा के रोद में, धूप में सूखा के उसको मैं ग्राइंड करके उसका एक पाउडर बना लेता हूँ, मतलब ऑरेंज पील पाउडर बना लेता हूँ। और ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे है, बहुत सारे हमारे स्किन प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करता है। तो ये मेरे घर में ज़रूर रहता है। और हाफ चम्मच लगभग हनी लेना है, उसको पानी से मिक्स कर सकते हो आप, रोज़ वाटर से आप मिक्स कर सकते हो। बस इसको मिक्स करते ही एक अच्छा फेस वॉश रेडी हो गया है। इसको आप अपने फेस पे लगाओ, मिनिमम 2 मिनट तक अपने फेस को अच्छी तरह से क्लियर करो, क्लीन करो। तो ज़्यादा फेस वॉश मतलब ज़्यादा कुछ भी आप फेस वॉश यूज़ करो, ज़्यादा मतलब रब के साथ नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर के साथ बहुत जेंटली करिए। 2 मिनट तक आपको करना ही है, तो बस 2 मिनट तक आप फेस वॉश करिए। जो मैंने इंग्रेडिएंट डाला है फेस वॉश में, वो सब हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे स्किन से वो डार्ट ये सब निकलने में हमारे स्किन को हेल्प करता है। तो बस ये फेस वॉश आप यूज़ करो, एकदम अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो उसके बाद नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लीजिए, उसके बाद ही आपकी स्किन आपको महसूस होगा कि आपकी स्किन एकदम क्लियर हो गया है, फ्रेश हो गया है। तो उसके बाद सेकेंड पार्ट है स्क्रबिंग करना। स्क्रबिंग करने के लिए भी उतना झंझट नहीं है, वो जो ऑरेंज पील पाउडर मैंने बनाया है उसको लेना है 1 चम्मच, और हाफ चम्मच मैं ले लिए है चावल के आटे। बस दोनों को मिक्स करने के बाद, यहाँ पे तो मैं टाइम की वजह से थोड़ा सा फास्ट फास्ट दिखाए हूँ, पर आपको स्क्रबिंग मोस्टली मतलब स्क्रबिंग जनरली बहुत ही जेंटली करना होता है, बिल्कुल भी फास्ट फास्ट उतना और प्रेशर के साथ नहीं, जेंटली करिए ताकि आपकी स्किन को
मतलब स्किन ख़राब ना हो, तो इसीलिए बहुत ही जेंटली करिए, 1 मिनट तक स्क्रब करिए, 1 मिनट से 1.5 मिनट तक आप ऐसे ही नॉर्मल स्क्रब कर सकते हो, या फिर भाप लेते लेते हुए भी स्क्रब कर सकते हो, उसमें भी बहुत उसमें थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो बस स्क्रब यूज़ करते ही मेरे फेस मतलब स्किन और भी फ्रेश हो गया है। तो अभी मैं यूज़ करूँगी ये दोनों स्टेप, यूज़ करते ही मेरे स्किन देखिए कितना ज़्यादा फ्रेश हो गया है। तो अभी मैं यूज़ करूँगी सीरम, वो भी मैं घर पे बनाती हूँ, और ख़ास करके तो विंटर सीज़न में डेफिनेटली मैं प्रेफर करती हूँ घर पे बना के विटामिन सी सीरम यूज़ करूँ, क्योंकि अभी संतरे का टाइम है भाई, अभी तो सबके घर में बहुत ज़्यादा संतरे आते हैं ना, तो ये सीरम घर पर बनाना भी उतना ही बनाना ईजी है, प्रिपेयर करना ईजी है। तो विंटर सीज़न में मैं ख़ास करके सीरम बाजारी वाला सीरम यूज़ नहीं करती हूँ, घर में ही बनाती हूँ। और जब संतरे का टाइम नहीं होता, कम थोड़ा मिलते हैं, तब मैं बाजारी यूज़ कर। जानना चाहते हो कि बाजारी में कौन सा मतलब कौन सी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, तो उसका भी मतलब उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसका वीडियो का लिंक आप चाहे तो देख सकते हो। ये सीरम मैंने घर पे बनाया है, और ये सीरम मैं कैसे बनाई हूँ उसका भी मैं वीडियो लिंक भी डाल दूंगी, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसका लिंक, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हो। मैं क्या करती हूँ, ये मैं कांच के बोतल में रखी हूँ। हाँ, तो आप ऐसे बोलोगे विटामिन सी सीरम तो हमेशा डार्क वाले जगह पे रखना चाहिए, तो मैं ऐसे कहीं ये पे रखती हूँ, कांच के जगह पे रखती हूँ, पर ये इस बार सीरम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैं अकेले यूज़ नहीं करती हूँ, तो अगर यहाँ पर रखने के लिए करूँगी तो ये बहुत ही कम दिनों में ख़त्म हो जाती है, 3-4 दिन में या फिर 5 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए मैं इसके अंदर रखी हूँ। और ये मैं ऐसे नहीं रखती हूँ कहीं पे भी, इसको मैं डार्क कहीं जगह पे रखती हूँ, ताकि ये मिनिमम 10-12 दिन के लिए अच्छे रहे। इसको मैं अभी ऐसे ड्रॉपर की हेल्प से ले लूँगी और यूज़ करूँगी। आओ, तो बस इसको अच्छी तरह से हल्के हल्के ये अपने स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दें। ज़्यादा ऐसे बहुत रफ तरीक़ों से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के मौसम से ऐसे ऐसे करिए, कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा, सॉरी एब्जॉर्ब हो जाएगा। बस अभी मैं मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी, और मॉइस्चराइजर मैं यूज़ करती हूँ ये गुड वाइब्स का ऑरेंज फेस जेल। इसका रिव्यू, इसका डिटेल रिव्यू है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हो। मैं रिव्यू ऐसे नहीं करती हूँ कुछ भी प्रोडक्ट, मैं बहुत दिनों से वो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ उसके बाद ही मैं रिव्यू करती हूँ, तो इसका डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पर है, उसका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो देख सकते हो। तो ये मैं अभी यूज़ करूँगी ये फेस जेल, मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, और इसका खुशबू बहुत लाइट ऑरेंज टाइप ही है, और इसका कलर भी थोड़ा आप देखिए लाइट ऑरेंज ऑरेंज येलो येलो टाइप आप बोल सकते हो ऐसे। तो बस ये थोड़ा सा लूँगी और स्किन में मसाज कर लूँगी, तो आप देखिए मतलब आप देखिए कि घर पे हम लोग बहुत इजी तरीके से विटामिन सी सीरम विटामिन सी वाला कोई भी प्रोडक्ट कैसे बना सकती हूँ और यूज़ कर सकती हूँ, ताकि हमारी स्किन हेल्दी रहे, अच्छे रहे। तो अगर हम लोग अगर घर पे बना सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो बाज़ार से क्यों मतलब क्यों खरीदना, क्योंकि बाज़ार से तो ऐसे ही नहीं आते हैं ना, उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। तो बस आप कौन से मतलब आप क्या यूज़ करना कंफर्टेबल है वो आपके ऊपर। तो मैं तो ऐसे यूज़ करती हूँ, जैसे मैंने बोला है मैं ज़्यादातर DIY प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ। तो बस सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक बाय बाय।